वीडियो बनाना चाहिए। जब आदमी रहेगा तो वैसे झपट्टा नहीं मारेगा, गर्दन पकड़ता है, चाहे शशाद हो चाहे आदमी हो। अगर काम वाम कर दे तो ये वाला पोजीशन नहीं दिखना चाहिए, मतलब गमछे वमछे से लपेट के ढक के रखें। वीडियो बनाओ, वीडियो डाल दूंगा मैं, सही है। हाँ, तो सारे बता ये सारी चीजें। बच्चे बच्चे जाते हैं, बच्चों को शाम के टाइम, गांव ज्यादा दूर नहीं है, शाम के टाइम बाहर ना निकलने दें। बच्चों की जिम्मेदारी हमारे पास बहुत है, बाद में खेल प्रधानमंत्री रिपीट कर दो। प्रधानमंत्री एक बार और वीडियो बना रहे हैं, वीडियो तो पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री। हाँ हाँ, जो है जब हम बचाव की सुरक्षा कर रहे हैं, एक तो हम गुलदार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलता रहेगा, लेकिन गुलदार कितने दिन में पकड़ा जाएगा? 2 दिन में 3 दिन में 5 दिन में, उसमें टाइम लगेगा। तब तक जो है हमारे दो प्रयास हो रहे हैं कि एक तो जानवर को आक्रामक होने से रोका जाए, और जानवर को क्या है कि जो रिहायशी इलाका है गांव, उसमें जाने से रोका जाए। उसमें जो जा रहे हैं, जो रास्ते हैं गांव के अंदर, अगर लाइट रहेगी तो लाइट में रुक जाएगा, लाइट से अंदर नहीं जाएगा। तो जो गांव के रास्ते हैं उसमें लाइट लगवा दो, ठीक है। जो रास्ते हमारे जा रहे हैं उनके आसपास जहाँ छिपके बैठता है शिकार के तलाश में, जो भांग है या फिर घास फूस और खेत रखे किनारों पे, 200-250 मीटर गांव का जो रास्ता है सामने तक, उसे साफ करवा दो, ताकि गांव की तरफ अंदर ना घुसे। हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर जंगल में है तो चलो कोई बात नहीं, कई बार दिखाई दिया नहीं दिया। हाँ, अपने प्रधान जी से कहना कि जितने भी रास्ते जा रहे हैं गांव में, सब पे लाइट की व्यवस्था करा दें, तेज लाइट लगनी चाहिए। और जो आसपास सड़क के, मतलब जो रास्ते हैं, रास्ते किनारे पे जो घास है या भांग है, बड़ी बड़ी जहाँ छिप सकता है, उन्हें सबकी सफाई करवा दें, 250 मीटर या 500 मीटर तक, इतना करवा दो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, गाड़ी की भी बना ले भाई, पता चलना चाहिए सब।